बड़ी और अच्छी खबर के साथ करेंगे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दरअसल नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं पाकिस्तानी एथलीट को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा के लिए आगाज अच्छा नहीं रहा। भारतीय दिग्गज पहले प्रयास के बाद 12वें नंबर पर थे। दरअसल नीरज चोपड़ा का थ्रो अमान्य करार दे दिया गया था, लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा ने गजब की वापसी की। नीरज चोपड़ा दूसरे राउंड के बाद 88.17 मीटर के साथ टॉप पर काबिज हो गए। इससे पहले नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अलावा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं अब इस दिग्गज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज के इतिहास रचने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीरज ने इतिहास रचा है। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज ने पहला थ्रो जरूर फाउल किया था, लेकिन दूसरे ही थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड को अपने नाम कर लिया। पूरे मैच में इससे आगे कोई भी एथलीट भाला नहीं फेंक सका। तो वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान के खिलाड़ी को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ गया। जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भारत में जमकर जश्न की तस्वीरें सामने आई। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाइयां देते हुए नजर आए। तो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा। इससे पहले भारत ने इतिहास रचा था। इसरो ने जब चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रचा गया, और कल एक और इतिहास रचा गया जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की ओर से। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज ने पहला थ्रो फाउल किया था, लेकिन दूसरे ही थ्रो में उन्होंने कमाल कर दिखाया और 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड को अपने नाम कर लिया। पूरे मैच में इससे आगे कोई भी एथलीट भाला नहीं फेंक सका, और यही वजह है कि भारत नंबर 1 पर रहा और तिरंगा लहराते हुए वहां पर नजर आया। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि नीरज का गोल्ड का सफर आखिर कैसा रहा, कैसे उन्होंने इस सफर तक पहुंचकर एक और इतिहास रचा है। तो आपको बताते चले, नीरज का गोल्ड का सफर। साल 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड हासिल किया। साल 2017 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया था। तो वहीं साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड पर कब्जा किया। साल 2019 में एशियन गेम्स में गोल्ड पर कब्जा किया था। उसके बाद साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पर कब्जा किया। साल 2022 में डायमंड लीग में पहला स्थान काबिज किया। साल 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर उनके नाम रहा, और वहीं साल 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड पर कब्जा कर लिया। एक और बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, जहां पर एक बार फिर से भारत ने इतिहास रचा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। आप लोग कवरेज कर रहे हैं, रात के 1:15 बजे तक भी सारा गांव, सारा देश जाग रहा था। माहौल तो आप जानते ही कैसा होगा, पूरा देश खुशियां मना रहा है। के लिए बिल्कुल गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहां भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जो से जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उसके उस कैरियर की अचीवमेंट ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी। आज भी आज बहुत खुशी है। बस हमारे नीरज भाई की उसमें कैरियर में बस इसी गोल्ड की कमी थी, और आज उन्होंने ये गोल्ड जीत कर सारी कमी पूरी कर दी है। आज बहुत खुश हैं। और आप देखिए, ओलंपिक का 1 साल से भी कम रह गया। हम आज दावा करते हैं कि अगले ओलंपिक में भी नीरज गोल्ड जीतेगा पक्का।
तो नीरज ने जो उपलब्धि हासिल की है, जो इतिहास रचा है, उसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन बॉय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता जीती। पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है और ये क्षण भारतीय खेल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन रहा, ये देश हमेशा याद रखेगा। तो वहीं इसे लेकर एक और ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, किरण रिजिजू की ओर से ट्वीट सामने आया। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और उन्होंने एक और मेडल दिया है भारत को, गौरवान्वित किया है। वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो गौरवान्वित करने वाला ये क्षण, जहां पर एक और इतिहास रचा गया है, नीरज चोपड़ा ने ये इतिहास रचा है जब एथलेटिक्स में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। 88.17 मीटर भाला फेंककर उन्होंने गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया। बधाई देने वालों का तांता लगातार जारी है। रात से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। शंभू, सावन के आखिरी सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के पवित्र महीने का आज अंतिम सोमवार है। आज सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण है, साथ ही सोम प्रदोष व्रत का भी संयोग है। और यही वजह है कि सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की कतार लगी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश से ये तस्वीरें हैं और पूरे देश से लगभग ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर शिव भक्तों में आज के दिन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है शिवालयों में। शिव भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोने से और प्रदेश से भी खास तस्वीरें लेकर आज आपके लिए हम पहुंचे हैं। जो भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं या सुबह भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, वो हमारे न्यूज चैनल के जरिए देश के अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों के अलग अलग शिव के जो मंदिर हैं वहां पर दर्शन कर सकते हैं और पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और आज का दिन क्योंकि शिव भक्तों के लिए बेहद खास है, सावन का आखिरी सोमवार है। इस बार सावन लगभग 2 महीने का था, तो यही वजह है कि कुल 8 सोमवार इस सावन में पड़े हैं और शिव भक्तों को ज्यादा मौका मिला है भगवान शिव को खुश करने का। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से शिव भक्त शिवालय में पहुंच रहे हैं। हिमांशु मित्तल शिवपुरी धाम में इस वक्त मौजूद हैं कोटा में, और इसके साथ ही अशोक हमारे साथ मौजूद हैं श्री गंगानगर से। सबसे पहले आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं सावन के आखिरी सोमवार की। अशोक, किस मंदिर में मौजूद हैं आप, तस्वीरें दिखाइए और जरा बातचीत करिएगा शिव भक्तों से, कितना उत्साह आज के दिन को लेकर। बिल्कुल प्रियंका, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय जो यहाँ के जन जन का आस्था का केंद्र है, वहां का यदि आपको दृश्य दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अल सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। चूंकि इस बार अधिक मास होने की वजह से सावन का महीना 2 महीने का रहा, यानी लगभग 59 दिनों का, तो ऐसे में 4 अतिरिक्त सोमवार भोलेनाथ के भक्तों को मिले और यही एक वजह रही कि इस बार सावन की बयार काफी लंबे समय तक चली। और चूंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में भक्त काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, चूंकि माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा सरल होता है, और शायद यही एक वजह है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्त लगातार दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश भर में या फिर यूं कहें पूरे प्रदेश में इस समय
सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जय जयकारों से शिवालय भी गुंजयमान है, चूंकि आज आखिरी सोमवार है तो ऐसे में काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आप ये श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय की तस्वीरें देख पा रहे हैं। अल सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, न केवल महिलाएं पुरुष बल्कि हमने देखा कि कुछ स्कूली बच्चे जो स्कूल जाने से पहले भी भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस कदर वहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, क्योंकि आप शिवपुरी धाम में हैं, तो सबसे पहले इस धाम की खासियत बताइएगा, क्यों यहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, और इसके साथ ही जरा बातचीत करने की कोशिश करिएगा भक्तों से, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव तो बड़े आराम से मान जाते हैं, सिर्फ जल ही चढ़ा दो भगवान खुश हो जाते हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करते हैं ताकि भगवान को खुश कर सके। बातचीत करिएगा जरा लोगों से वहां पर। देखिए, सबसे पहले जो सावन का सोमवार होता है वो हर शिव भक्त के लिए खास होता है, और इस बार का जो सावन है वो अधिक मास की वजह से 2 महीने का रहा, 8 सोमवार इस बार पड़े, सावन का आज आखिरी सोमवार है। लगातार हमारी कोशिश है कि जो दर्शक न्यूज 18 राजस्थान इस वक्त देख रहे हैं उन्हें घर बैठे सावन के आखिरी सोमवार पर ही खास तस्वीरें दिखाई जाए अलग अलग शिवालयों की। ये कोटा का शिवपुरी धाम है जिसकी जो महिमा है, जिसकी मान्यता है, वो भी अपने आप में खास है। एक साथ यहाँ पर 525 शिवलिंग है जो स्वास्थ्य का आकार में बने हुए हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद ये देश का इकलौता ऐसा शिवालय है जहाँ पर एक साथ 525 शिवलिंग है। खास बात यह है कि कोई भी शिव भक्त किसी एक शिवालय में जब जाता है तो उसे एक शिवलिंग पर जल अभिषेक, दुग्धाभिषेक, यानी तमाम वो चीजें जो भगवान भोलेनाथ की पूजा में चढ़ाई जाती है वो एक शिवलिंग पर पूजा कर पाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भक्त आने वाले हैं वो एक साथ 525 शिवलिंग के न केवल दर्शन कर पाते हैं बल्कि उन पर जल अभिषेक कर पाते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर पाते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो कोटा के शिवपुरी धाम से अपने आप में खास होती है। यहाँ की जो मान्यता है वो भी अपने आप में खास है क्योंकि एक साथ यहाँ पर आपको 525 शिवलिंग देखने को मिलेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को यहाँ पर मौका मिलता है। इन सबके साथ में एक तस्वीर और दिखाएंगे, ये देखिए आप, ये विशाल शिवलिंग और विशाल नंदी जो अपने आप में अद्भुत है, जिनको लेकर के कहा जाता है कि दर्शन मात्र से ही जो सभी मनोकामनाएं हो पूरी हो जाती हैं। तो ये तस्वीर भी यहाँ से आप देखेंगे तो ये विशाल नंदी की तस्वीर है जहाँ शिवपुरी धाम से इस वक्त हम हमारे तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नंदी को लेकर के भी विशेष मान्यता है। दूसरी तरफ मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि जो दूसरी तस्वीर है वो शिवलिंग की भी दिखाएं। तो तमाम तरह की अलग अलग वो चीजें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वो भोलेनाथ के जो भक्त है वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। मैं बात भी करूंगा क्या जो मान्यता है वो आज के दिन को लेकर के आप लोग मानते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, कैसे अलग है इससे? मेरा एकदम सभी लोग आते हैं यहाँ पर और अपना जो मानते हैं वो पूजा होता है। किसी शिवालय में जाते हैं तो एक शिवलिंग के दर्शन होते हैं या 525 शिवलिंग में दर्शन होते हैं? बिल्कुल, 525 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और मैं यहाँ से हमारे जो इस शिवालय है, इस शिवपुरी धाम है, उसके जो नागा संत है वो उनकी तपोस्थली ये कोटा का शिवपुरी धाम रहा है। यहाँ चारों तरफ ना केवल अलग अलग तरह के खास तरह से ये पूरा की पूरा शिवालय तैयार किया गया है बल्कि इस शिवालय को नागाओं की तपोस्थली के तौर पर भी जाना जाता है। बिल्कुल हिमांशु, आमतौर पर जब भक्त शिवालय पहुंचते हैं तो सिर्फ एक शिवलिंग के ही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में खास इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि एक साथ 525 शिवलिंग के लोग दर्शन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए और दर्शन कराने के लिए। इस बीच मिल रही बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें स्क्रीनिंग कमेटी आज जयपुर में बैठक करेगी। जयपुर में आज वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक होगी। पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति के नेताओं के साथ बैठक की जानी है। गौरव गोगोई, गणेश गोधियाल, अभिषेक दत्त जयपुर पहुंचे हैं। अगले 3 दिन तक लगातार बैठकों का दौर चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों के नेताओं के साथ खास चर्चा की जाएगी।
सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कब से शुरुआत होगी, कौन कौन खास चेहरे शामिल रहने वाले हैं और कितना महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस के लिए? जी, टिकट के चयन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बैठक का दौरा से शुरू हो जाएगा। हालांकि जब टिकट फाइनल होंगे उसमें तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर जिस तरह का फीडबैक आया है, रायशुमारी आई है, दावेदारों ने अपना नाम दिया है, तो वो प्रक्रिया ब्लॉक से जिला स्तर को पार करती हुई अब प्रदेश चुनाव समिति तक पहुंच गई है और प्रदेश चुनाव समिति अब उन तमाम दावेदारों का नाम लेकर आज स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठेगी, चर्चा करेगी। प्रदेश का जो सियासी माहौल है उस पर चर्चा होगी, कौन से इश्यूज को उठाना है, किस तरह से टिकट का चयन करना है, तो उस पर चर्चा होनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ जब बड़ी संख्या में दावेदार सामने आए हैं और पिछले 7 दिन से जो माहौल कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में बनाया हुआ है, पार्टी इसको एनकेश करना चाहती है। पार्टी को लगता है कि अगर इतनी संख्या में दावेदार पार्टी के साथ खड़े हैं, इसका मतलब धरातल पर एंटी इनकमेंसी कम है और पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ में खड़ा है। और दावेदारों की संख्या का ज्यादा होना ये बताता है कि सरकार फिर से रिपीट हो सकती है। तो इसी सोच को ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी आज से टिकट के चयन की प्रक्रिया एक तरह से शुरू कर रही है और उसमें प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, जिनको जिम्मा दिया गया था हर जिले में जाने का, वो भी आज इस बैठक का हिस्सा होंगे, अपनी ओर से राय मशवरा देंगे और पैनल बनाने का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। 3 से लेकर 5 जो संभावित दावेदार है उनका पैनल बनेगा और उनका जो नाम है वो स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी 3 से 5 जो संभावित हो पैनल लेके दिल्ली चली जाएगी और फिर उसके बाद में पार्टी आला कमान, ऑब्जर्वर्स की राय, धरातल का सर्वे और उन तमाम चीजों को लेकर के फिर जो है टिकट तय होंगे। तो एक नई कोशिश, एक नई शुरुआत और उस माहौल को जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 7 दिन में बनाया है उसको वो आगे लेकर के जाना चाहती है। और इसी कड़ी में गौरव गोगोई देर रात जयपुर पहुंचे हैं, उनके साथ में अभिषेक दत्त भी हैं, गणेश गोडियाल भी हैं। तो जो फील्ड का जो रिपोर्ट है वो आज स्क्रीनिंग कमेटी के सामने होगा, तमाम नेताओं से राय मशवरे होंगे और टिकट चयन में कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ने की कोशिश करेगी कि हम सबसे पहले टिकट दे सकते हैं। बिल्कुल बाबूलाल, साफ मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखाई जा रही है कि भाई भतीजावाद नहीं, सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दी जानी है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किसानों का पड़ाव जारी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर रात भर किसानों का पड़ाव चलता रहा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी खड़ी हैं। महाराजा गंगा सिंह चौक से भगत सिंह चौक तक मार्ग बाधित कर दिए गए हैं। गंग कैनाल में सिंचाई पानी नहीं मिलने तक पड़ाव जारी रहने की भी बात कही गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक बाहर से, जहां पर किसानों ने महापड़ाव डाल रखा है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जब तक सिंचाई का पानी नहीं तब तक महापड़ाव जारी रहेगा, ये चेतावनी दे दी गई है। अब क्या तैयारियां वहां पर किसानों की ओर से और प्रशासन की ओर से? देखिए, किसानों ने कल जहां दोपहर में शहर के सभी मुख्य नाकों को तोड़कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर घेराव शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। पूरी रात भर किसान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर टोलियां लेकर ही जमे रहे और किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक गंग कैनाल में उन्हें पानी नहीं मिलेगा वो कलेक्ट्रेट कार्यालय से नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मामले में कोई समाधान होता हुआ नहीं दिखाई दिया तो न केवल राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे बल्कि देश की राजधानी दिल्ली पहुंचकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी घेराव करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का 31 अगस्त को जयपुर में एक चुनावी कार्यक्रम है तो उसको भी बॉयकॉट करने की यहाँ के किसानों ने चेतावनी दी है। जी, यानी कि किसान जो हैं अब वो ठान चुके हैं कि जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला और लगातार ये प्रदर्शन उग्र भी होता चला जा रहा। अब देखना है कि कब तक उनकी मांगों पर सहमति बन जाती है। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, रोहित